सोनपुर जाना है तो सबसे आसान रास्ता आपको दीघा ब्रिज से होकर जाएगी। शानदार नज़ारा आपको दिखता होगा, पटना का मरीन ड्राइव है जो कि अटल पथ फेस टू से डायरेक्ट कनेक्ट करते ही आगे से ऊपर आपकी गाड़ियां दौड़ती और नीचे से ट्रेन गुजरती है, तो दीघा ब्रिज का ही खासियत हो। दीघा ब्रिज के आखिरी छोर पे पहुंच चुके हैं जो कि देख हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 का। इधर रोड की थोड़ा देख सकते हैं मरम्मती का काम चल रहा है, हल्का हल्का रोड का यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन फिर तो इस तरह के गांव से गुजरना पड़ेगा आपको जब जाएंगे तो, जो कि गाड़ी है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट से सारण डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। चौक आपको मिलेगा, इस चौक से डायरेक्ट आपको टर्न होकर डायरेक्ट सीधे चल जाना। 14.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मेला के अंदर आ गए। हेलो दोस्त, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम खड़े हैं दीघा ब्रिज के नीचे। आपको बताते चले कि हम लोग अभी दीघा से सोनपुर जाने वाले हैं और आपको बाय डिटेल रोड से कैसे सोनपुर पहुंचे दीघा से वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ जो कि दीघा पुल के नीचे दीघा 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। इस रूट से आप डायरेक्ट जेपी सेतु पुल सोनपुर जा सकते हैं, छपड़ा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस हाईवे से आप दरभंगा तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग आपको यहाँ दीघा से सोनपुर तक कैसे पहुँचे वो आपको एक शानदार रास्ता दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि दीघा से सोनपुर कैसे जाए। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिलहाल जो कि दीघा में खड़े हैं और यहाँ से सोनपुर की दूरी 14.5 किलोमीटर है, तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कि देख सकते हैं दोस्तों हम लोग की गाड़ी दीघा से स्टार्ट हो गई है और हम लोग डायरेक्ट सोनपुर के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग को गाड़ी अब डायरेक्ट दीघा ब्रिज की ओर जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अटल पथ फेस टू पे हैं और यहाँ से डायरेक्ट गोलंबर के सहारे हम लोग डायरेक्ट चढ़ जाएंगे दीघा ब्रिज के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दीघा ब्रिज, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कई गाड़ियाँ जो कि दीघा ब्रिज से आ रही है सोनपुर की ओर से। और अगर सोनपुर जाना है तो सबसे आसान रास्ता आपको दीघा ब्रिज से होकर जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट सोनपुर पहुँच जाएंगे। और देख सकते हैं नीचे शानदार नज़ारा आपको दिखता होगा, पटना का मरीन ड्राइव है जो कि अटल पथ फेस टू से डायरेक्ट कनेक्ट करते ही आगे से एरिया आप देख रहे हैं वो पूरा अटल पथ है, उससे आप आगे से जाएंगे तो मरीन ड्राइव चल जाएंगे। और ये हम लोग की गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे दीघा ब्रिज के ऊपर पहुँच चुकी है। दीघा ब्रिज का शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता होगा, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ऊपर आपकी गाड़ियाँ दौड़ती और नीचे से ट्रेन गुजरती है, तो दीघा ब्रिज का ही खासियत हो। डायरेक्ट आपको पटना से हाजीपुर को भी जोड़ती है, यहाँ से दरभंगा मुजफ्फरपुर इसी रूट से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग की सफ़र जो कि 14.5 किलोमीटर सोनपुर तक का है, तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत है। इसी स्ट्रक्चर से देखने के बाद आपको गाय घाट का भी तैयार किया गया, तो गाय घाट का जो आप लुक नया वाला देखेंगे तो जस्ट सेम आपको इसी तरह का लुक दिखता है। आपको बताते चले दोस्तों दीघा ब्रिज के ऊपर जो कि गाड़ियां दौड़ रही है और इसके नीचे वाला फ्लोर पे जो कि ट्रेन गुजरती है, और बिहार में ऐसा एक और पुल जो कि आपको कोइलवर में दिखेगा, तो उसके बाद दीघा में इस तरह का पुल आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलते चलते देख सकते हैं हम लोग दीघा ब्रिज के आखिरी छोर पे पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है एक दीघा ब्रिज। फाइनली हम लोग दीघा ब्रिज पार कर चुके हैं और देख सकते हैं दीघा ब्रिज के नीचे से हम लोग अब जा रहे हैं। तरह के अलग अलग इंडिकेट किया गया है बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है यातायात संकेत का पालन करें। इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और जो कि गति सीमा आपको यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाने की अनुमति है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं दीघा ब्रिज का समाप्त हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बोर्ड इंडिकेट किया गया जो कि रास्ता आपको सिवान छपड़ा आपको यहाँ से आपको भरतपुरा सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर की ओर ले जाएगी। यहाँ से जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ सोनपुर आपको 7 किलोमीटर, तो चलते हैं सोनपुर की ओर। तो दोस्तों हम लोग की गाड़ी धीरे धीरे सोनपुर की ओर जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे इसी रास्ते से आपको दीघा ब्रिज से सीधे उतर कर कहीं मुड़ने की झंझट नहीं है अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जाने के क्रम में आपको यहाँ पे मेन हाईवे पे ही इस तरह का बोर्ड लगा हुआ हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 का। देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आपको इस नीचे वाले एरिया से आपको जाना होगा, आप उधर से आएंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ से जो कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ उसके नीचे से रोड जाएगी। अब डायरेक्ट इसी रोड के सहारे आप सोनपुर जा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बजरंग चौक में आपका स्वागत है और यहीं से आपको टर्न ले लेना है। देख सकते हैं पुल के नीचे से हम लोग की गाड़ियाँ जा रही है और सीधे जो ये रूट है
सीधे सोनपुर जा रही है। धीरे धीरे हम लोग की गाड़ी मेला की ओर जा रही है और डायरेक्ट आपको इसी रास्ता से चलते जाना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं भरतपुरा टोला चौक के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से सीधे आपको जाना है, कहीं जाना नहीं है। देख सकते हैं शाहपुर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से भी आपको सोनपुर 2 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी देख सकते हैं शाहपुर में है, इधर रोड की थोड़ा देख सकते हैं मरम्मती का काम चल रहा है, हल्का हल्का रोड का यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन फिर भी तो देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है नगर पंचायत सोनपुर में आपका स्वागत है। तो इस तरह का यहाँ पे बोर्ड लगाया गया जैसा कि देख सकते हैं सोनपुर जाने में आपको इस तरह का भी रोड मिलेगा। अलग अलग गाँवों से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी हम लोग शाहपुर से गुजर रहे थे, उससे लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं। तो सोनपुर जाने में आपको इस तरह का रोड मिलेगा जहाँ तक आपको ढलैया वाला रोड, तो हल्का परेशानी हो रही है हम लोग को गाड़ी चलाने में, लेकिन बीच में जो कि हम लोग आए थे तो किसी तरह का परेशानी नहीं था। धीरे धीरे हम लोग की गाड़ी जो कि सोनपुर की ओर जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के गाँव से गुजरना पड़ेगा आपको जब जाएंगे। तो एक ख़ास चीज़ आपको बता दें कि जो कि सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो हम लोग की जो कि गाड़ी है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट से सारण डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है और सोनपुर लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो लिखा हुआ है देख सकते हैं नगर पंचायत सोनपुर में आपका स्वागत है, साथ ही साथ नखास मेला क्षेत्र जो है इधर से भी आप जा सकते हैं जो कि रूट जा रही है, और इधर सीधे से भी आप रूट जा सकते हैं, दोनों तरफ से किधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकिन हम लोग सीधा से जा रहे हैं, सीधे से यहाँ पे काली घाट भी दर्शाया गया, तो इस एरिया से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, दोनों एरिया से यहाँ से आपका रास्ता। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग मेला में पहुँचने वाले हैं। पूरा इलाका आप जो देखते होंगे सोनपुर का ही इलाका आता है, इधर का रोड काफ़ी अच्छा है, उस पहले जो उधर शाहपुर की तरफ का थोड़ा रोड ठीक नहीं था, लेकिन आप अंदर आएंगे तो इधर का रोड थोड़ा ठीक लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हम लोग सोनपुर के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं मेला की ओर हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट आप मेला के अंदर इसी रास्ता से जा सकते हैं। लगभग हम लोग को 14.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और ये आपको दिखता होगा सोनपुर का मेला की ओर जाने वाला रास्ता है, और ये बाज़ार आपको यहाँ पे मिलेगा, सामने से आप डायरेक्ट मेला में एंट्री कर सकेंगे। तो ये चौक आपको मिलेगा, इस चौक से डायरेक्ट आपको टर्न होकर डायरेक्ट सीधे चल जाना और सीधे रास्ता आपको मेला की ओर ले जाएगी। इधर अभी भी मेला की तैयारी चल रही है क्योंकि सोनपुर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और मेला भी पूरे एरिया में मेला लगती है, तो देख सकते हैं अभी भी मेला की तैयारी चल रही है क्योंकि मेला का उद्घाटन आज है, इसलिए धीरे धीरे मेला में रंग लाएगी। अभी मेला की तैयारी चल रही है, लोगों का धीरे धीरे यहाँ पे टेंट है तंबू गाड़ना स्टार्ट हो गई है। तो देख सकते हैं मीना बाज़ार चौक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको टर्न ले लेना है और यह भी रास्ता मेला की ओर जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग अब लगभग 14.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मेला के अंदर आ गए, आज मेला लग रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे शोभा सम्राट थिएटर है, तो अलग अलग यहाँ थिएटर, तो अगला ब्लॉग हम लोग यहाँ का दिखाएंगे डायरेक्ट मेला में।